जय हिंद। सीआरपीएफ एससी और एसआई ट्रेनों का जो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट आपका अभी तक क्यों नहीं आया है, रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है, तो उसका कारण आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि किस कारण से रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है और कब आ सकता है। इस पर हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट नहीं आया अभी, एससीएम और एएसआई स्टेनो एलडीसी का एग्जामिनेशन होना था 13 जुलाई से पीछे जो बीत गया दिन, तो वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने का कारण यही था कि अभी वर्तमान समय में G20 जो अभी चल रहा है, अपने जो भारत देश में मीटिंग होनी है उससे संबंधित कुछ ड्यूटियाँ इधर उधर हुई हैं और अमरनाथ यात्रा चल रहा है। आपके जो रिजल्ट की संभावना है, जब एससीएम और एएसआई स्टेनो एलडीसी के एग्जामिनेशन हो जाएंगे एक ही साथ में रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं, और इन दोनों के रिजल्ट एक ही साथ आएंगे। एससीएम एएसआई स्टेनो डायरेक्ट और एलडीसी के जो रिजल्ट होंगे वो साथ ही आएंगे जब एलडीसी वाला एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का साथ ही आएगा, एलडीसी एग्जामिनेशन होने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट एक साथ आएगा। एलडीसी के एग्जामिनेशन जो डेट टली है 13 जुलाई की, अब वो अगस्त में जाएगी। अगस्त में एग्जाम होने के बाद में आपके रिजल्ट्स जो डायरेक्ट वाले हैं और एलडीसी वाले हैं दोनों के साथ आ जाएंगे, और उसके बाद में टाइपिंग की डेट निर्धारित की जाएगी। आपके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगस्त से पहले कोई चांस नहीं दिख रहे हैं आपके रिजल्ट आने के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।